नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 19 अप्रैल को बस्तर में होगा। दूसरा चरण कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव में 26 अप्रैल को होगा। इसके बाद 7 मई को रायगढ़ सहित और जो अन्य 6 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे चुनाव किया जाना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लगभग सभी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने अभी तक 5 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिसमें रायगढ़ भी इंक्लूड है, रायगढ़ भी शामिल है। रायगढ़ से भाजपा ने राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया है और राधेश्याम राठिया पिछले कई बार से विधानसभा धर्मजयगढ़ के लिए टिकट मांगते रहे हैं भाजपा से। इसके अलावा वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, अभी वो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य पहले रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल पांडे जी, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनसे चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि कांग्रेस ने जबकि अपने उम्मीदवारों का नाम तय नहीं किया है, संभवतः कल या परसों में उनके उम्मीदवार का नाम भी तय हो जाएंगे जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन भाजपा ने बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है, इससे उनको कितना लाभ होने वाला है? 1998 के बाद से अब तक कांग्रेस ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस के लिए कहें तो ये एक सुखाड़ का क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे कांग्रेस पनप नहीं पा रही है पिछले 98 से लेकर के अभी तक। ऐसे में इस चुनाव में क्या होने वाला है, किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह की बातें होंगी, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं अनिल पांडे जी, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे। स्वागत है आपका। नमस्कार। भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, विधानसभा में भी ऐसे हुआ था, भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या इस बात का मायने भाजपा को मिल जाएगा? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा होगा, क्योंकि उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उसको अतिरिक्त समय मिला है लोगों के बीच में जाने का, अपने बारे में पहचान बनाने का और प्रचार करने का। भारतीय जनता पार्टी ने 98 से कब अपन बात करते हैं तो पहली बार रायगढ़ क्षेत्र को धर्मजयगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। अब जिले के विभाजित हो जाने के कारण अब ये पहली बार रायगढ़ जिले से उनका ये उम्मीदवार सामने आ रहा है, नहीं तो इसके पहले जसपुर जिले क्षेत्र से उनके उम्मीदवार सामने आया करते थे। और इस बार टिकट देते समय उन्होंने राठिया बहुल टिकटों का जातिकरण समीकरण का भी ध्यान रखा है। राधेश्याम राठिया एक नया चेहरा भी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की अगर टिकट वितरण की नीति पे आप 2 बार से देखोगे तो 2019 में उन्होंने विष्णु साय जी की के स्थान पर गोमती साय को टिकट देकर चेहरा बदल दिया था, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो उससे पार पाया जा सके। ठीक वही नीति इस बार उन्होंने भी अपनाई है। गोमती साय को, जो निवृत्तमान सांसद होती, उन्हें विधानसभा का चुनाव पत्थलगांव से लड़वा दिया और इस तरह से फिर से उन्होंने नया चेहरा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को इससे दूर कर लेती है, क्योंकि जनता सवाल तो पूछती है कि भाई 5 साल में आपने क्या किया था। अब ये सवाल तो कम से कम जनता नहीं पूछेगी, क्योंकि पुराना प्रत्याशी तो है नहीं सामने। और वैसे भी आप देखोगे तो कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस ने अपने यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अगर अपन वोटों के समीकरणों की बात करेंगे भी तो 2019 के चुनाव में भीषण संघर्ष हुआ रायगढ़ लोकसभा सीट के, और सिर्फ कांग्रेस 5% वोट से पीछे रह गई। मतलब अगर अपन वर्तमान में वोटिंग का ट्रेंड देखने का पैमाना हमारे पास गत विधानसभा चुनाव है, इसमें भी आप देखोगे तो 52-53 हज़ार का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों के बीच में। तो हो सकता है कांग्रेस एक रणनीति के रूप में सामने आए और एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट दे जिसको चेहरा पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहचाना हो, क्योंकि 5% के वोटों के अंतर की सीटों को सेफोलॉजी में खतरे में माना जाता है। अगर यहाँ पे कांग्रेस दम लगाती है या जोर लगाती है तो ये सीट को बीन भी कर सकती है, परंतु तो हकीकत में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विष्णु साहब आज मुख्यमंत्री हैं और जसपुर जिला पूरा गौरवान्वित है उनसे। मैंने फीडबैक भी लिया था, तो पत्थलगांव से लेके कुंकुरी और जसपुर तक का भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही है, और उनका जो विधानसभा में जो लीड आई थी उससे भी लीड का अंतर पड़ेगा।
पिछले विधानसभा पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 8 सीट है रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस थी, बावजूद इसके कांग्रेस यहाँ से हार गई। देखिए 2014 के मैं आपको जाना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, 2014 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विष्णु साय ने 2,14,000 वोट से अधिक वोटों से चुनाव जीता था, तो कांग्रेस ने गड्ढा तो पार किया था। कांग्रेस की इस हार में सबसे बड़ा रोल रायगढ़ विधानसभा ने निभाया था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लगभग 45-46 हज़ार की लीड मिल गई थी और 65 या 66 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी। मतलब 7 सीटों पर तो कड़ा संघर्ष हुआ। इस बार तो सिर्फ रायगढ़ में ही 65 हज़ार की लीड है पिछले विधानसभा। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा गड्ढा रायगढ़ ही है। अगर रायगढ़ में कांग्रेस अपने गड्ढे को पाटने में सक्षम होती है तो ये मामले ये रायगढ़ संसदीय सीट में चुनाव आपको दिलचस्प देखने को मिलेगा। परंतु सवाल है कांग्रेस से मेरे को उम्मीद ज़्यादा इस बार दिखाई नहीं दे रही है। मुद्दे काम देखिए, मुद्दे तो ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस रूप में सामने आएगी कि उसकी सरकार ने, विष्णु देसाई की सरकार ने 3 महीने में जो वायदे विधानसभा चुनाव के समय किए थे मोदी की गारंटी के रूप में, उन प्रमुख वायदों को पूरा कर दिया है। ऐसे में अगर हम देखें तो पिछले बार भूपेश बघेल के जब सरकार बनी थी उसमें भी तुरंत उसका लाभ कहाँ मिला? लाभ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसका जो संगठन है, वो अपनी सफलताओं को लेकर घर घर जाता है। और इनमें सबसे खास बात देखोगे आप कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस में कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। कांग्रेस का रायगढ़ लोकसभा में हार का ये सबसे बड़ा कारण है। ये महंगाई, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड या और दूसरी भी चीजें हैं जो नेशनल लेवल पे है कि यहाँ पे काम करेगी? देखिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बुनियादी मुद्दे हैं, पर ये देखने में आ रहा है कि ये इन मुद्दों के कारण वोट नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से यात्रा भी किए हैं, एक कांग्रेस में उत्साह और जोश भी आया था, परंतु कांग्रेस इसको कितना इनकैश कर पाती है? सवाल मैंने फिर आपसे कहा कि कांग्रेस सारे पोलिंग बूथों पे अपना एजेंट भी खड़ा कर पाएगी, मेरे को उसमें भी संशय है। पूरे छत्तीसगढ़ लेवल की अगर हम बात करें तो पिछले बार 11 में से 9 भाजपा, 2 कांग्रेस, इस बार क्या सिनेरियो रहता है? देखिए लगभग 80-90% जीत सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में यहाँ पे जीतते आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 11 में 11 सीट का चुनाव जीतने का टारगेट लेके लड़ रही है। इसके मुकाबले को रोकने के लिए कांग्रेस ने भी जो 5-6 सीट अपनी घोषित की है उसमें दमदार उम्मीदवारों को उतारे हैं। संघर्ष तो कड़ा होगा और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासे हो रहे हैं अभी पूरी तरह से तो हुए नहीं है, वो कि किसने बनाया और किसको ने वो निकाला, ये सामने जब आएगा। भारत कांग्रेस इसको किस तरीके से जनता के बीच में ले जाती है, कितनी विश्वसनीयता के साथ अपनी बात कह पाती है, उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा। परंतु सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हिंदू लहर है उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। ये इसका रंग इतना गहरा जम चुका है कि पत्थर से भी आप घिसोगे तो ये उतरने वाला नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर वोट मिले थे और अगर अपन 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो समीकरण बनता दिखाई देता है कि 5 में भाजपा, 5 में कांग्रेस और 1 में संघर्ष की स्थिति हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का वोट लोकसभा चुनाव में बहुत तेजी से बढ़ता है। लगभग विधानसभा चुनाव में उनको जो वोट मिले रहते हैं उससे 10% वोट प्राप्त हो जाके 52% तक पहुंच जाता है और कांग्रेस का वोट उस तुलना में 5% डाउन हो जाता है। इस कारण हो सकता है अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो भारतीय जनता पार्टी 11 में से 11 सीट जीतने में मेरे को कोई शक नहीं दिखाई देता। तो थैंक यू, आपने पूरी एनालिसिस सुनी। इनका ये मानना है कि धर्मलाल का जोर जैसे विधानसभा ने पकड़ा था उस तरह से लोकसभा में भी धर्मलाल का जोर रहेगा और धर्मलाल जी हावी रहेंगे। धर्मलाल जी बोलने से धर्म का जो मुद्दा है और बाकी मुद्दे उसके नीचे गौण हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है और लोकसभा चुनाव को लेकर के हम और भी चर्चा इनसे कंटिन्यूटी में करते रहेंगे। जब कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होगी, फिर जब चुनाव का अधिसूचना जारी होगा, तो हम कंटिन्यू बात करते रहेंगे और आप तक सारी एनालिसिस को पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।